हेलो गाइस, शिवम शर्मा भाई भूम बाम, जिस तरह से उन्होंने लॉकअप का गेम खेला बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा था। बस बैडर्स के मामले में थोड़ा पीछे हो गया, जिसके कारण वो टॉप थ्री में नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत एंटरटेनमेंट था। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि शिवम शर्मा लॉकअप जैसे शो में हो, बट मैं जरूर चाहूंगा कि शिवम शर्मा ऐसे शो में आए जहाँ पे वो विनर बनेगा, क्योंकि उसका जो कैलिबर है विनर बनेगा वो वही शो में जो है बिग बॉस में। और बिग बॉस OTT में शिवम शर्मा को मौका मिल रहा है, एक और बार कह रहा हूँ, बिग बॉस OTT में शिवम शर्मा को मौका मिल रहा है। यहाँ पे शिवम शर्मा का नाम तेजी से आगे आ रहा है बिग बॉस OTT के लिए, बिग बॉस के इसमें नाम आ रहा है, बिग बॉस OTT या बिग बॉस 16, दोनों में से एक, और शिवम शर्मा चूज करके दोनों में से एक में किस में जाना है। मुझे नहीं लगता कि शिवम शर्मा जल्द से बिग बॉस OTT में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी इतने महीने लेके आए तो थोड़ा टाइम लेके वो आना चाहेगा, बट मुझे जरूर लगता है कि बिग बॉस 16 में शिवम शर्मा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शिवम शर्मा को यहाँ पे हायर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उसका एंटरटेनमेंट लेवल, शायरी, सब कुछ, वन लाइनर जितना भी हो, शिवम शर्मा भूम भाम जिस तरह से वो क्रेज करेगा बिग बॉस में, और बिग बॉस में ऐसी ही एक कंटेस्टेंट की जरूरत होती है जो है शिवम शर्मा। और शिवम शर्मा अगर लॉकअप में नहीं होते तो बिग बॉस में अगर आते तो बिग बॉस में वो विनर बनते। और यहाँ पे अगर बिग बॉस में 16 में मिलता है अपॉर्चुनिटी, आता है अंदर, जिस तरह से नाम उसका तेजी से आ रहा और उसको हायर कर लिया, तो भाई भूम बाम तोड़ देगा स्टेज, भूम बाम ही विनर बनेगा, मुझे पूरा 100% श्योर है। कि जिस तरह से अभी थोड़ी सी फैन फॉलोइंग और बढ़ा दी है लॉकअप में आने के बाद, वो फैन फॉलोइंग को लेके जरूर बिग बॉस में जाके एक तहलका मचाएगा और पब्लिक जुड़ेगी, तो ये बिग बॉस वाले जरूर शिवम शर्मा को लेंगे और 101% लेने की कोशिश करेंगे। तो ये है शिवम शर्मा के लिए गुड न्यूज़, और शिवम शर्मा को एक अच्छा एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है, आप लोग बस वेट करो, मैं पूरा कंफर्म लेके आऊँगा कि शिवम शर्मा कैसे आने वाला है अंदर और कितने उसको पेमेंट मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।